धरने का और आज क्रमिक कंसर्न भी महिलाओं ने शुरू किया है, किस तरह की मांग रहे हैं आपके आगे की क्या करेंगे? जो हम मांग रहे हैं वो हम अपना हक मांग रहे हैं, न हमारा हक नजायज है, ना ही उसमें कुछ गलत है, ना ही हम यहाँ लड़ाई झगड़े के लिए आए हैं। हम सिर्फ हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं। जो उनसे साल की एक या दो ड्यूटी देने से अच्छा है, 20 से अच्छा तो यही है ना कि भूखे मरने से बेटर है कि हम इज्जत की मौत मर जाएं। है और इससे अच्छा कि रोज रोज की ये ताने छाई लोगों से बात करनी। हमारे ऑफिस वाले ही हमसे ये बात कहते हैं कि अरे ये तुम तो कर के होमगार्ड ऐसी रहेगी, क्यों ऐसी रहेगी, क्या वजह ऐसी रहने की, ये खाकी पहना तो देते हैं, साल साल में कोने में पड़ी रहती है, जब पहनते हैं 10 मिनट के अंदर नोटिस निकाल देते हैं, नोटिस निकाल देंगे, ड्यूटी पाओ, ये कोई तरीका हुआ? मैडम कल रात को आपके साथ जाती की गई, तकरीबन 10-11 बजे तक मौजूद डटे रहे, बेहोश भी हुए आपके कुछ बंदे, उसके बारे में क्या कहना? सर जाती हुई है हम पे और उसी के विरोध में हम बैठे हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। सिर्फ ओनली 10 मिनट हमने 20 मिनट मांगे ताकि हम अपने को संभाल सके और उठ के उनसे बात कर सके, लेकिन उन्होंने तो बात ही नहीं सुनी। खदेड़ दो, क्यों खदेड़ दो? यहाँ कोई चार्ज किया हमारे पर, लाठीचार्ज किया, हम यहाँ कोई धक्का मुक्की करने के लिए नहीं आए, हम अपने हक मांगने। सरकार की कुछ पहल वार्ता के लिए 3 दिन में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कल आपके 5 डेलीगेशन गए थे सरकार से वार्ता करने के लिए, कैसे क्या वार्ता रही? उनसे बात करने गए थे सर हमारे अधिकारी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से ढंग से बात नहीं की। उन्होंने कहा आप देख लो, आपकी मांग हम देख रखी है, सोचेंगे। क्या सोचेंगे सर, 10 साल से जो सोच सके तो वो क्या सोचे? करते करते सहते सहते बहुत दिन हो गए, ये बिल्कुल जारी रहेगा, ये बंद नहीं होगा। हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, हम चाहे 10 आदमी है, चाहे 100 आदमी है, चाहे 200 आदमी है, लेकिन हम यही बैठे रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा दिन है हमारी मांगों पे अभी तक विचार नहीं किया गया है, उल्टा हमारे ऊपर अत्याचार करने की तैयारी चल रही है। हम हर अत्याचार सहन करने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार से मांग है, सरकार से हमारा कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, सरकार से हमारी रोजी रोटी की मांग है, सरकार को ये पूरी करनी होगी। जैसा कि सरकार ने पूर्ववर्ती आश्वासन दिए हैं उन्हीं आश्वासनों को हम पूरा करने के लिए कह रहे हैं। अब वर्तमान में क्या, अभी रिसेंट हमारे मुख्यालय से आए अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए, जैसा कि वो हमारी पीड़ा नहीं जानते, हमारे अधिकारी उनको पहल करके सरकार से वार्ता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे आला अफसर हैं, अफसर जब तक कदम नहीं उठाएंगे हमारे सरकार की पालना में, हमारे ऊपर कदम चलाते हैं रौंदने के लिए, जबकि उनको हमारी मांग उठानी चाहिए। क्यों? हमारे पीछे ही वो लोग बैठे हुए हैं। आज हमने एक नया कदम उठाया है, सबसे बड़ी ताकत होती है इस देश की, एकता की ताकत होती है अनशन। आज हमारी महिलाओं ने अनशन शुरू किया है। अब ये अनशन, जैसा हमारे जवान घर पे आत्महत्या कर रहे हैं, बैठे हैं, मर जाते हैं, इससे अच्छा है पुलिस वाले, हमारी सरकार के आदेश पर पुलिस वाले हमारा खाना छीनते हैं, इससे बढ़िया है हम भूख की घोषणा कर देते हैं, अनशन पर बैठते हैं। अभी तो क्रिमिक अनशन है, जल्दी अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो अब बहुत बड़ा आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा। आपको एक और बात बता दूं, आज पूरे राज्यों से फोन आ रहे हैं, लगभग 22 राज्यों से समर्थन मिला है हमें, 22 राज्यों से समर्थन में ये कहा गया है अगर आपके ऊपर अत्याचार किया गया तो हम पूरे देश में आंदोलन छेड़ देंगे।